हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 220 केवी टावर पे की डिज़ाइन बनाएंगे। उसका क्या डायमेंशन रखा जाता है वो ध्यान रखेंगे। सारी चीज़ें पहले जैसे ही रहेंगी, जैसे कि हमने 132 केवी टावर में बनाया था, जो डायमेंशन दे रखा था हमने फ्री हैंड में, वही रखेंगे। बस फर्क बस इसमें इतना रहेगा कि दूरियां हम डिफरेंट रखेंगे। दूरियां ऐसी क्या रखेंगे, बढ़ा देंगे। जैसे कि जो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है 220 केवी का, उसमें जो है हम सेंटर लाइन से लेफ्ट साइड में दो सेंटीमीटर गए थे, फिर घर आए, फिर उसके निचले वहाँ सेंटर लाइन से ग्राउंड लाइन से 2 सेंटीमीटर नीचे गए थे, तो हमने एक पाया बनाया था। उसके बाद जो है इस ग्राउंड लाइन से 6 सेंटीमीटर ऊपर गए थे। ऊपर जाने के बाद क्या है, इस पॉइंट से हमने क्या किया था, लेफ्ट साइड हम 4 सेंटीमीटर गए थे और इस साइड से हम जो है इस सेंटर इस वाला जो पॉइंट है इस जगह से 5 सेंटीमीटर ऊपर गए थे। वहाँ तक फिर हमने 1 सेंटीमीटर नीचे आने के बाद हमने एक आधार बनाया था, 3 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड जाके। इसके बाद हर 1 सेंटीमीटर हमने एक लाइन की जगह की और सबको इस तरह से मिला दिया। मिलाने के बाद जो है जब हम इसके कारखान बना रहे थे, सबसे ऊपर वाले कारखान की जो सेंटर पॉइंट से दूरी रखे थे कितना रखे, 3.5 रखे थे, और नीचे वाले जब नीचे जब आते हैं सबका क्या दूरी रखते हैं, 4-4 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटर पॉइंट 4 सेंटीमीटर, सेम सेंटर पॉइंट 4 सेंटीमीटर, सेम कारखान डिजाइन कर लेते थे। और इस वाले पॉइंट से हम 4 सेंटीमीटर ऊपर जा रहे थे, क्योंकि ये यहाँ से सबसे ऊपरी वाले पॉइंट तक की सबसे जो दूरी रखी है, जो हमने डायमेंशन दे रखा था 15 सेंटीमीटर रखा था। यहाँ से हमारा 15 सेंटीमीटर यहाँ था, इसको हम यहाँ से मिला लिए थे। अब इसमें हमें शो करना था कि कितनी कितनी कितना हम आई आर मीटर में जो दूरी रखी जाती है उसको हमें शो करना था। तो सबसे ऊपर वाले कारखान का सेंटर पॉइंट से दूरी जो रखी जाती है वो 9.5 मीटर रखी जाती है, और इस कारखान निचले वाले कारखान और इस वाले कारखान की जो दूरी रखी जाती है वो 6.30 मीटर रखी जाती है। हमने यहाँ पर दिखाया था। और ये जो नीचे में क्रॉस जो हमारा स्क्वायर एरिया रहता है, इस स्क्वायर एरिया हमारा 6.5 स्क्वायर एरिया रहता है, 6.5 स्क्वायर एरिया रहता है। और हमारा पिंडिकी में कितना 2.5 मीटर गया रहता है, हमने यहाँ इसको पाया तो जान रखा था। सीमेंट और कंक्रीट का एक फाउंडेशन बनाते हैं, उस फाउंडेशन पे इसको हम क्या करते हैं, जाम कर देते हैं। सेम हम यहाँ जो दूरियाँ दिखाएंगे वो देख लेते हैं, पाया की पाया जो है कितनी गहराई तक जमीन के अंदर जाना चाहिए, कम से कम 2.5 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहती है निचले वाले प्लेटफॉर्म की, यहाँ तक की जो दूरी रहती है वो रखी जाती है 21 मीटर। और इस वाले क्रॉस आर्म से इस वाले क्रॉस के निचले वाले पॉइंट तक की जो दूरी रखी जाती है 2.6 मीटर। और यहाँ से इस जगह की जो दूरी रखी जाती है वो भी 2.6 मीटर। और ये जो हमारा क्रॉस आर्म की जो चौड़ाई रहती है जिसके कारण हम इसके डिजाइन के रखी है, ये वाली जो दूरी रखी जाती है 1.4 रखी जाती है। और सबसे ऊपरी वाले जो हमारा क्रॉस आर्म का सबसे ऊपर वाला ऊपरी वाले पॉइंट है, इससे हमारा जो अर्थिंग वाले सबसे टॉप की जो दूरी रखी जाती है कितनी रखी जाती है, वो रखी जाएगी हमारी 5.74 मीटर। ये टोटल जो दूरी होती है जो हमारे टावर की जो दूरी लंबाई है, टावर की टोटल लंबाई होती है कितनी रखी कितनी होती है, सबको जोड़ लेंगे तो आएगा हमारा 31.74 मीटर। कितना आएगा, 31.74 मीटर। आगे चलते हैं, हम डबल लाइन का सेम ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर बस फर्क इतना रहेगा, यहाँ से हम दूसरे को 6 सेंटीमीटर आएंगे, इस वाले पॉइंट पे सबसे ऊपर वाले यहाँ पर आसान के सबसे ऊपरी वाले पॉइंट की दूरी कितनी रखी है, 7 सेंटीमीटर। हमने यहाँ कितना ले रखा था, यहाँ से यहाँ तक 5 ले रखा था, इसमें 7 रखेंगे। ये हर 1 सेंटीमीटर हम लाइन खींच लेंगे, लाइन खींचने वाला सबको मिला लेंगे। और यहाँ पर जो ये दूसरे के आसान की जो बीच डिस्टेंस रखा था, हमने कितना यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का देखिए डिफरेंस रखा था, हमने गैपिंग यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर कितना रखेंगे, 2-2 का गैपिंग रखेंगे, 1-2, 1-2, यानी हर प्रातान के बीच की दूरी कितनी रखेंगे। स्केल पे जो हम दिखाएंगे, स्केल पे हम दिखाएंगे वो कितना रखेंगे, सिर्फ 3-3 सेंटीमीटर। तो सबसे वाले हम प्रातान बना लेंगे यहाँ पर, इस साइड सेंटर पार्ट से हम कितनी दूरी जाएंगे, 4 सेंटीमीटर लेफ्ट 4 सेंटीमीटर राइट, ऐसे सबका बना लेंगे। और हर कारखान के बीच की जो सबसे निचले वाले पॉइंट से सबसे निचले वाले पॉइंट तक की दूरी कितनी रखी जाएगी वो रखेंगे हम 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर बढ़ा लिया है,
इसके बाद उसको डिजाइन करने के बाद यहाँ से हम जो हमारा सबसे टॉप वाला काम का सबसे टॉप पॉइंट है, इस पॉइंट से हम जो आर्थिंग पॉइंट की दूरी रखेंगे वो कितना रखेंगे, वो हम 3 सेंटीमीटर रखेंगे यहाँ दिखाने के लिए। लेकिन हम जब आई आर के थ्रू जो हम डायमेंशन तो करेंगे उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। देख लेते हैं क्रॉस आर्म के इसकी जो दूरी होती है सेंटर पॉइंट से, वो रखी जाती है 5.95 मीटर से। साइड भी रहेगा हमारा, नीचे वाले जो दोनों का आधार है इनकी सेंटर पॉइंट से दूर रखी जाती है 6.3, इसका भी 6.3 होगा, इसका भी 6.3, ऐसे सेम इसका भी 6.3 और इसका भी। तो हम बीच से ही दिखा देते हैं तब दोनों को, ये हमारा होगा 6.3 मीटर, ये भी हो जाएगा हमारा 6.3, ये हमारा डायमीटर हो जाएगा। अब बचा गया है हमारी इसकी हाइट, इसकी जो ऊंचाई दिखानी है तो इसकी ऊंचाई जो हमारा वर्टिकल हमें दिखाना है तो वर्टिकल दिखाएंगे जो 2.5 मीटर हमारी पाया जो होता है जमीन के अंदर लगा रहता है वो हम दिखा देंगे यहाँ पे। ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो इसका जो क्रॉस हमने यहाँ पर जो ग्राउंड लाइन पे जो हमारा स्क्वायर एरिया बनता है वो बनता है चारों पाए का, वो होता है 7 मीटर स्क्वायर एरिया। कितना होगा 7 मीटर स्क्वायर एरिया बनता है। और सेम जब हम इसे आगे बढ़ेंगे निचले वाले क्रॉस आर्म का जो पॉइंट ये है जिस ग्राउंड लेवल से कितनी दूरियाँ रखी जाती हैं 21.13 मीटर, कितना रखा जाएगा 21.13 मीटर। उस वाले में देखिए 21 मीटर है, यहाँ पर देखिए 21 मीटर है लेकिन इसमें कितना रहेगा 21.13 मीटर। सेम आगे जाएंगे हम इसके इस क्रॉस आर्म से इस क्रॉस आर्म के बीच की दूरी कितनी रखेंगे 5.2 मीटर, कितना रखेंगे 5.2 मीटर। उसमें कितना रखा था हमने इसकी इतनी बीच की दूरी हमने 2.6 रखा था, यहाँ पर कितना रहेगा 5.2 मीटर, क्योंकि डबल लाइन है डिस्टेंस हमारी बढ़ जाएगी तो हमने बढ़ा दिया, यहाँ पर इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। और इस क्रॉस आर्म से इस क्रॉस आर्म के बीच दूरी कितनी हो जाएगी 5.2 मीटर। ये जो क्रॉस आर्म जो हमने बनाया है इसका जो डिजाइन का सबसे निचला और सबसे ऊपर वाले पॉइंट का जो दूरी रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है वो हमारे यहाँ पर इस वाले हमने 4.1.4 रखा है। देखिए 1.4 रखा है, आप 1.4 भी दिखा सकते हैं, वैसे कहीं मजबूत बनाने के लिए क्रॉस आर्म इसका ज़्यादा लंबा है इसलिए इसका हम 1.4 भी रख सकते हैं, तो 1.4 हम यहाँ लिख लेंगे 1.4। और ये सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है इस वाले ये वाला ये इस पॉइंट से इस सबसे अर्थिंग वाले पॉइंट की जो दूरी रखी जाती है वो 4.8 मीटर रखी जाती है। पिछले वाले कितना था 5.74 मीटर था, इसमें कितना रहेगा 4.8 मीटर। टोटल जो दूरी टोटल जो हमारे जो हमारा टावर है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी वो 36.33 मीटर है, कितना आएगा 30.33 मीटर। यहाँ पर हम रखेंगे 2.1 मीटर, जब हम यहाँ 2.1 मीटर रखेंगे तो 36.33 मीटर टोटल हमारे टावर की ऊंचाई है। जिस तरह से हमारा 132 केवी का जो टावर है वो कंप्लीट हो जाता है, ये डायमेंशन आए तो रूट थ्रू आपको याद रखेंगे और डिजाइन बनाएंगे जो आपने जिस तरह से स्टेप बाई स्टेप बनाया था उस तरह से बना लेंगे, लेकिन दूरियों को हम दिखाएंगे बढ़िया से, ठीक है। आई आर रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका अभी और बचा है जो आपके सिलेबस में नहीं है 400 केवी का टावर है वो भी हम एक बना लेंगे, एक बार देख लेंगे, तब तक के लिए आप इसको बनाइए और बढ़िया से इसको ड्राइंग शीट पर तैयार करिए। थैंक यू।